हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल इन अवर इंस्टीट्यूशन सरस्वती शिक्षण सदन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिको श्री गंगानगर। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2020-21। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू टॉपिक वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम चैप्टर 5th नेचुरल वेजिटेशन ऑफ जियोग्राफी। Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने जियोग्राफी में जो अपना चैप्टर 5th नेचुरल वेजिटेशन चल रहा है, उसने अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वो इसमें अपने करेंगे। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर में अपने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया है ना, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये टॉपिक अपने कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आपकी पहली क्लासेस, आपकी वीडियो डाली हुई है आपके ग्रुप में। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास है या नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें अपने वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग किसी जू में गए हो, चिड़ियाघर में गए हो, तो वहाँ आपने वैराइटीज ऑफ आपने एनिमल स्पीसीज देखी होगी, कहीं आपने वैराइटीज ऑफ प्लांट्स, फॉरेस्ट, ट्रीज ये देखे होंगे। ठीक है, तो इंडिया में रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज है। ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की, जो स्पीसीज है उसकी। ठीक है, इंडिया में क्या है कि जो वर्ल्ड वाइड फ्लोरा एंड फौना की जो वैराइटीज़ है, उसका 4-5% इंडिया में अपने मिलता है। इंडिया में 4-5% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, तो ये जो मिलता है अपने इंडिया में, इसका मतलब इंडिया में जो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है वो रिच है, या बायोडाइवर्सिटी रिच है, क्योंकि इंडिया का जो एरिया है वर्ल्ड एरिया का, वो 2.4% ही है। मतलब अपने एरिया तो 2.4 ही है, और वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे 4-5% मिल रही है। तो इस रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह क्या है? ठीक है, इस रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह है अपना डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम कैसे मेंटेन हुआ, ये बहुत लंबे समय से, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से अपने कह सकते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट में इन्वॉल्व हैं। इसी वजह से ये जो रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना अपने सामने है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम से, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम से जो अपनी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज है फ्लोरा एंड फौना, उसमें डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, क्योंकि उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब पॉपुलेशन बढ़ती गई, ह्यूमन की ग्रीड बढ़ती गई, उसने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ओवर यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो इनमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है उसमें डिक्लाइन आया है? तो इसमें अपने फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट फैक्टर इसमें आ जाएगा इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। अब आप कहोगे कि इसकी वजह से डिक्लाइन क्यों हुए हैं? ठीक है, इससे अगला पॉइंट भी इससे मिलता जुलता ही होगा। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अपने को मिनरल चाहिए, अपने को कोल चाहिए होता है, उसके लिए माइनिंग करनी होती है,
डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट के भी लिए भी अपने को प्लेस चाहिए होता है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी अपने को एरिया चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपने फॉरेस्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एज में जो फॉरेस्ट हैं, बायोडाइवर्सिटी है, वो कम हो रही है। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि अगर अपने वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो चैप्टर आपका वाइल्ड लाइफ का, लेकिन यहाँ पे आप सुनोगे कि फॉरेस्ट की बात अपने बार बार कर रहे हैं, बात तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की हो रही है, जंगली जीव जंतुओं की हो रही है, लेकिन अपने फॉरेस्ट की बात क्यों कर रही है? क्योंकि ये उनका घर है। अगर उनका घर है, जो उनका हैबिटेट है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो वो रहेंगे कहाँ पे? ठीक है, वो ओपन अप हो जाएंगे लोगों के लिए और उनकी हंटिंग पोचिंग करना इजी हो जाता है, या वो उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाते और वो वैसे ही एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक रीज़न होता है। सेकंड अपने कह सकते हैं, मोर एंड मोर लैंड क्लियर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, रोड्स, माइनिंग, रिजर्वायर, ठीक है, एटसेट्रा। तो अपने ह्यूमन सेटलमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में। जैसे आपने देखा होगा कि जो अर्बन ग्रोथ आउट ग्रोथ होती है, उसके आसपास कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, या एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको भी उसमें एक्वायर कर लिया जाता है, उसको क्लियर कर दिया जाता है और वहाँ पे सेटलमेंट बना दिए जाते हैं। रोड बनानी हो तो उसके रास्ते में जो ट्रीज आ रहे होते हैं उसको कट कर दिया जाता है। ठीक है, माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के लिए डिगिंग करनी होती है अपने, तो उससे पहले जो उसकी सरफेस है उसको क्लियर किया जाता है। रिजर्वायर, जैसे डैम की अपने बात करें, डैम बनाना होता है कहीं पे, अगर डैम बना जाते हैं तो या तो जो जैसे डैम बन गया, ठीक है, आगे इधर से रिवर आ रही थी, आसपास इसके वेजिटेशन ही वेजिटेशन है, ठीक है, इधर हिल्स हैं, हिल्स, दोनों हिल्स को ऐसे आगे दीवार से अपने उसके पानी को बांध दिया, डैम बन गया। तो जब इसमें पानी भरेगा इतने एरिया में, या तो जो यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे, ठीक है, या उनको उनका डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, उनको काट दिए जाएंगे, तो इससे भी लॉस होता है, ठीक है, वेजिटेशन में। ठीक है, थर्ड अपने कह सकते हैं इसके बाद, फॉर फ्यूल वुड, टिम्बर एंड अदर यूज, ठीक है, इसमें भी अपने जो फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है, चाहे अपने इसको फ्यूल वुड के फॉर्म में कलेक्ट करें, जैसे लोकल लोगों के लिए ये है कि जो लोकल है वहाँ के, वो फ्यूल वुड के लिए, टिम्बर के लिए, इमारती लकड़ी के लिए पेड़ों को काटते हैं, तो इससे भी जो वेजिटेशन है या अपने जो अपने कह सकते हैं फॉरेस्ट है, उसका लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे जो ग्राजिंग बाय कैटल्स, जो मवेशी होते हैं उनके द्वारा चरने के कारण, चरते हैं ग्रासलैंड में, चरते हैं, छोटी छोटी श्रब्स होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी ट्रीज होती हैं, उनको वो खाकर नष्ट कर देते हैं, उनके जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, वो चलते हैं, तो जो छोटे छोटे प्लांट ग्रोथ कर रहे होते हैं, उग रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर पैर रखने से वो भी डेड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो इससे भी जो फॉरेस्ट है उसको नुकसान पहुँचता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अपना जो है इसमें आ जाएगा हंटिंग एंड पोचिंग। ठीक है, पुराने टाइम में जो राजा महाराजा हैं, इलाइट पीपल हैं, वो हंटिंग को एक स्पोर्ट की फॉर्म में खेलते थे, करते थे, तो उसमें एक ही टाइम में हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स को उसमें डेड कर दिया जाता था, उनका शिकार कर लिया जाता था, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी को बहुत लॉस होता था। आज भी ये सिस्टम चल रहा है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की वजह से बहुत सारे एनिमल का हंटिंग या उनकी पोचिंग की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, जंगलों में जो आग लग जाती है उसकी वजह से भी जो बायोडाइवर्सिटी है या अपने कह सकते हैं वेजिटेशन है,
उसका लॉस होता है, उसका नुकसान होता है। ठीक है, अब अपने को समझना चाहिए कि इस तरह से उसका जो लॉस हो रहा है, लेकिन अपने लिए जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इकोनॉमिकली भी अपने कह दें, इन्वायरमेंटली भी, इकोलॉजिकली भी उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हमें उनके जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना चाहिए और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कि अपने को फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद अपने बात करते हैं फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट में रहने वाली जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, उसके कंजर्वेशन की अपने बात करते हैं। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होगा तो जो वाइल्ड लाइफ है वो भी कंजर्व होगी। ठीक है, उसके लिए इंडिया में कुछ एक्ट, कुछ लॉज, ठीक है, बनाए गए हैं, तो उनकी अपने यहाँ बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ टॉपिक में अपने ये बात करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से एक्ट बने हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या स्कीम चलाई गई हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो 1972 में आया था। ठीक है, इस 1972 का जो वाइल्ड लाइफ है, इसमें जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका कंजर्वेशन करने के लिए दो ऑब्जेक्टिव बताए गए। उन ऑब्जेक्टिव में क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोटेक्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्टेड इन द एक्ट ऑफ, अपने कह सकते हैं लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ एक्ट 1972। ठीक है, कहने का मतलब कि जो प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज विच इज शेड्यूल्ड इन द एक्ट, जो एक्ट में शामिल की गई हैं उन एंडेंजर स्पीसीज को उसमें प्रोटेक्ट करना और प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द फॉरेस्ट एरिया लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो ये इसमें दो लॉ हैं, या आपने कह दें एक्ट में दो ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल किए गए। इसके बाद इसे रिवाइज किया गया 1991 में, और उसमें जो पनिशमेंट है अगर कोई ये रूल को फॉलो नहीं करता, एक्ट को फॉलो नहीं करता, फिर भी वो वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो उसे और ज़्यादा स्ट्रिंगनेट कर दिया गया। ठीक है, और ज़्यादा उसे हार्ड कर दिया गया और कठोर बना दिया गया। उसके बाद में जो अपने कह सकते हैं स्पेसिफिक प्लांट स्पीसीज हैं एंड एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज जो हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, प्रोटेक्टेड। तो ये इसमें उसके मॉडिफिकेशन में 1991 में जो उसका मॉडिफिकेशन किया वो उसमें शामिल है। इसके बाद और भी जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने यूनेस्को के साथ, यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके साथ कोलैबोरेशन करते हुए इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने का अटेम्प्ट किया। और उसके बाद अपने बात करें कि जो नेशनल पार्क है इंडिया में वो 103 है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है
वो 535 है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसका नंबर हो गया। अब इसके बाद अपने बात करें कि अपने को अगर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है तो अपने किसी भी किसी के लिए भी कोई वर्क कर रहे होते हैं तो अपने ये भी देखते हैं कि अपना उसमें बेनिफिट है कि नहीं है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को अगर अपने कंजर्व करेंगे तो इसमें अपने लिए लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। कैसे? इसे अपने जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो अपना मेंटेन रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अपना एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, इससे इको टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। इको टूरिज़्म का मतलब कि जो भी लोग वैराइटीज़ ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज को देखने के लिए दूर दूर के इलाकों से आते हैं तो उसे अपने इको टूरिज़्म कहते हैं, जिससे वो जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कुछ एक्ट या प्रोजेक्ट स्टार्ट किए अपने कह सकते हैं। तो उसमें एक तो आ जाता है 1973 का जो टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट ये 1973 में आया था। इसमें क्या है कि जो टाइगर है उनकी जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करना और उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहे, इसके लिए ये टाइगर प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया गया या चलाया गया। और इसमें इसका बेनिफिट भी यही है कि टाइगर प्रोजेक्ट को चलाने का मतलब अगर टाइगर को अपने सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, तो मतलब उनका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें वो रहते हैं, जिनकी जितनी भी उसकी फूड चैन है, फूड चैन का मतलब अगर वहाँ पे प्लांट होंगे, ट्रीज होंगे, तो उनको हर्बीवर्स खाएंगे, हर्बीवर्स खाएंगे तो फिर उनको ये कार्निवर्स जिसे अपने टाइगर कहते हैं ये खाएगा। मतलब पूरे का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम ही वहाँ पे ओके होना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसी वजह इसी से ही जो टाइगर है वहाँ पे जो कंजर्व हो सकते हैं, ठीक है। यही इसका साइंटिफिक है, इकोलॉजिकल अपने कह सकते हैं, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू है। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल की गई। तो सबसे पहले जब टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें 9 जो टाइगर रिजर्व थे, ठीक है, 9 टाइगर रिजर्व थे। और 9 टाइगर रिजर्व में अपने बात करें तो उसका जो एरिया था 16,339 स्क्वायर किलोमीटर। बाद में ये 44 टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है, और उसका एरिया हो गया 36,988.200 किलोमीटर स्क्वायर, और ये 17 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर ये भी इंक्रीज हुई है, जो 2006 में 1411 थी वो इंक्रीज होकर 2010 में 1706 हो गई। इसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट के अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया। ये चलाया गया 1992 में, और ये भी 17 स्टेट्स में चलाया गया कि जो एलिफेंट हैं, हाथी हैं, उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में सिक्योर रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए, कि वहाँ पे वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही सर्वाइव होते रहें, अपनी पॉपुलेशन को रिप्रोडक्शन करते रहें, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकें, उसमें लॉस ना हो, उनकी हंटिंग पोचिंग पे रोक लग सके, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इन दोनों प्रोजेक्ट के अलावा भी इंडिया में कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं, जिसमें क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हैंगुल, और अपने कह सकते हैं हिमालयन प्रोजेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हिमालयन मस्क डियर। इसी तरह से अपने पढ़ा कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ को लॉस हो रहा है, उसको लॉस करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, और कैसे अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये अपने आज के चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप
क्लियर कर सकते हो व्हाट्सएप पे या कॉल करके, ठीक है। तो